NFTs के लिए बिटकॉइन बन गया दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलर ब्लॉकचेन। सदबीज ने 3AC की NFT नीलामी से वसूले $2.4 मिलियन। अब आप iOS पर खरीद सकते हैं स्टेप इन NFTs, पर एप्पल को देना होगा टैक्स। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने Web3 स्पेस में बढ़ाए कदम। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, मैं हूं विशाखा ठाकुर। कैसी लगी इस हफ्ते की NFT न्यूज की सुर्खियां? तो चलिए NFT वर्स के इस एपिसोड में आपके फेवरेट NFT प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स के साथ एक खास गेस्ट से मुलाकात भी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं NFT वर्स का इस हफ्ते का सफर। NFTs के लिए बिटकॉइन बन गया दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलर ब्लॉकचेन। Web3 डेटा प्लेटफॉर्म CryptoSlam के अनुसार बिटकॉइन बेस्ड नॉन फंडेबल टोकन्स अब पर ब्लॉकचेन NFT सेल्स के लिए दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। डेटा से पता चलता है कि पिछले 30 दिनों में बिटकॉइन NFT ने लगभग $167 मिलियन की कमाई की है, जो इथेरियम के $397 मिलियन के भारी भरकम आंकड़ों से कहीं पीछे है। हालांकि CryptoSlam के अनुसार बिटकॉइन पर NFT की बिक्री सोलाना नेटवर्क की तुलना में लगभग 3 गुना बढ़ी है, जो करीब 57 मिलियन डॉलर से पीछे है। यानी ये तो वही बात हो गई कि मामा जी चंदा मामा की कहानी सुनाते रह गए और भांजे ने चांद को छू लिया। NFT स्पेस में बिटकॉइन की तेज गति से हुई वृद्धि का कारण है ऑर्डिनल्स प्रोटोकॉल, जो JPEG जैसे डेटा के साथ बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट सातोशी को इंस्क्राइब करने का एक मैकेनिज्म है। अब बात करते हैं युगा लैब्स की। तो बिटकॉइन कम्युनिटी में भारी आलोचना का सामना करने के बावजूद NFT जायंट युगा लैब्स ने फरवरी में अपने खुद के ऑर्डिनल्स आधारित कलेक्शन को रिलीज किया, जिसकी वजह से उन्हें काफी फायदा हुआ। CryptoSlam की रिपोर्ट के अनुसार बिटकॉइन बेस्ड NFT कलेक्शन में बिटकॉइन फ्रॉग्स का नाम सबसे ऊपर है। बिटकॉइन फ्रॉग्स ने पिछले 7 दिनों की सेल्स में $6.3 मिलियन कमाए हैं। बेसिकली बिटकॉइन NFTs का नाम तो ऑर्डिनल्स है, लेकिन इनके सेल्स फिगर्स काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना मजे की बात। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट अंशु रस्तगी का, जो टोटालिटी कॉर्प के फाउंडर है। वेलकम टू 3.0 TV सर। हाय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो सर, आपको क्या लगता है कि जिस रफ्तार से बिटकॉइन NFTs आगे बढ़ती जा रही है, क्या ये एक दिन इथेरियम को ओवरटेक कर लेंगी? So look, with Bitcoin NFTs, there are two advantages. One, Bitcoin, before Lightning Network came in, Bitcoin was primarily a store of value, right? Lightning Network helped making it a source of payments. And I think with the Bitcoin NFTs coming in, it also made another engagement layer on top of Bitcoin, right? So the big advantage is there was already this large community of Bitcoin believers who were only holding Bitcoin like their hold, like as digital gold, right? Because it was a store of value. Then obviously with Lightning Network, there was some enablement of payments. And with Bitcoin NFTs, now there is some enablement of engagement. So is that a good thing? Absolutely, it's a great thing. However, where I differ is, see, a very big reason for these Bitcoin NFTs to take off versus Ethereum, which people say is, in Ethereum, obviously there is a different ERC standard, which is 721 is the one that's used mostly, or 1155. For the NFTs versus in Bitcoin, obviously you can write all the data on chain itself, unlike in Ethereum, right? Do I think that overall people, especially the masses, care about this factor? I don't think that's the case right now. Still feel, if I had to look into the crystal ball, that Ethereum NFTs will still remain the largest NFTs, and we will get more projects on the Ethereum chain than on the Bitcoin chain. So Bitcoin obviously is the second highest. It'll probably continue to remain that, is what I would bet on. हमने ये भी देखा कि Bitcoin NFTs की वजह से Lightning Network को congestion का सामना करना पड़ रहा है, जिससे transaction fees में भी बढ़ोतरी हुई है। तो क्या Ordinals Lightning Network के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं? Well, obviously the amount of profit that Bitcoin miners are seeing exactly because of what you said is unprecedented, right? Because activity was actually going down. Look, even though the congestion has increased, Bitcoin miners are now making more money because of that increase in congestion. I do think that it's a boom because all of these ecosystems depend on the amount of activity,
right? So anything that helps increase the amount of activity means Bitcoin prices go up. So people who bought it as a store of value are happy. Means that people who want to make payments in it, more people are involved into the network. Even if someone got introduced to the Bitcoin through the Bitcoin NFTs, now they're using it as a payment source. So that's a good thing. Bitcoin miners are more incentivized to actually come and help that network. So we will potentially see more companies coming in and actually doing Bitcoin mining, because now there is a reason for them to make decent amount of revenue. So I think overall, it's actually a great thing that's happening for Bitcoin, particularly given the slump that we are seeing in the crypto market over the last year or so. I think any increase in activity generally is a good thing. And in this case, I think it's definitely a good thing. Thank you so much हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आइए अब रुक करते हैं इस हफ्ते की अगली बड़ी खबर का। सदबीज ने 3AC की NFT नीलामी से वसूले $2.4 million। तो पिछले शुक्रवार को जब्त किए गए दुर्लभ NFTs के ऑक्शन से सदबीज ने $2.48 million वसूल किए, जिससे दिवालिया 3AC हेज फंड को घाटा कम करने में मदद होगी। सिंगापुर स्थित 3AC हेज फंड ने जुलाई में अपने दिवालिया होने का दावा दायर किया था। सदबीज ने 2021 में 3AC के एसेट पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में ग्रेल्स कलेक्शन बनाई और इसकी मल्टी पार्ट बिक्री शुरू कर दी। सदबीज ने ग्रेल्स कलेक्शन को अब तक के सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल कलाकृतियों में से कुछ के रूप में नवाजा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बिग अपडेट ऑफ दिस वीक, अब आप iOS पर खरीद सकते हैं स्टेप इन NFTs, पर Apple को देना होगा टैक्स। Stepin एक मोबाइल मूव टू अर्न गेम है जो विशेष NFTs के साथ चलने के लिए क्रिप्टो टोकन से खिलाड़ियों को पुरस्कारित करता है। एप्पल ने भी आईफोन के लिए अपने iOS ऐप के भीतर NFT बिक्री के लिए एक इन ऐप मार्केटप्लेस लॉन्च किया है, जिसके लिए वह डेवलपर्स से 30% फीस चार्ज करेगा। डेवलपर फाइंड सातोशी लैब ने भी एप्पल पे से क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स इंटीग्रेट करके खरीद बिक्री आसान कर दी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस हफ्ते की हमारी आखिरी अपडेट है क्रिकेट जगत से। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने Web3 स्पेस में बढ़ाए है कदम। मेरी तरह विराट कोहली के फैंस को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, IPL से RCB के एलिमिनेशन से आपको झटका तो जरूर लगा होगा, बट डोंट वरी, आपके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज भी है। IPL विनर की बस मिस करने के बाद अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर Web3 वैगन पर सवार हो गया है, जिससे कम से कम भारत में Web3 को क्रिकेट फैंस की ओर से बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। RCB ने अपने फैंस के लिए डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड्स लॉन्च किए हैं। इसके लिए RCB ने भारत की डिजिटल कलेक्टिबल्स प्लेटफॉर्म रेडियो के साथ साझेदारी की है। आने वाले दिनों में RCB के फैंस एक्सक्लूसिव ब्लॉकचेन सपोर्टेड कलेक्टिबल्स खरीद सकेंगे, जिनमें ग्लेन मैक्सवेल, केदार जाधव, शहबाज अहमद और विराट कोहली सहित टीम के अन्य लोकप्रिय खिलाड़ी भी शामिल होंगे। RCB के वाइस प्रेसिडेंट राजेश मेनन का मानना है कि इस कदम से आने वाले दिनों में क्रिकेटर्स और उनके फैंस का एंगेजमेंट और बेहतरीन होता जाएगा। Well, that's all in this episode of NFT Wars. वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं विशाखा ठाकुर हर हफ्ते आपके लिए लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.0 TV, and for more such interesting updates, please log on to our website www.3worsTV.io or scan the QR code.